हाय दिया, नमस्ते, नमस्कार, हम हैं आपकी चटोरी भाभी, हाजिर हैं आज की हमारे नए प्रोमो के साथ में। अब भैया किसका? मन सुंदर का। कहानी ऐसी हो गई है ना कि जहाँ पर भैया ये जो सुंदरा है ना, हाँ, अग्नि बन के जो आई है, मतलब देखा जाए तो है ना, वो एक कमरा में बंद हो जाती है, मतलब कि भैया इसने बंद कर दिया था रूही ने। अब ऐसे में देखा जाए तो को लगा था कि कोई ना ही है, पर एक ही सुंदरा ने जानबूझ के किया था, जहाँ पर वो आग भी लगा ली थी। अब ऐसे में जब वो बचा के लेके आया जाता ना तो नाम लगा देती है रूही पे, जो कि बाद में है ना नाहर के ऊपर भड़क पड़ता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हो। और दादी का तो भैया आम बात है, जहाँ पर वो एक ऊपर तो भैया बरसात कर देती है, कहती है कि ये लड़की है ना के लायक नहीं है, इसको कोई ख्याल नहीं है, भैया ये बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई है, इसको है ना ये सुंदरा के पास पास में ना आने ना दो। अब ये चीज़ सुनने के बाद में तो भैया अपना रूही सफाई देती है, लेकिन कौन ना मतलब भैया कोई ना ही सुनता है, जिसके बाद में भैया चली जाती, जिसके बाद में किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर है ना भाजी काटते काटते अपना उंगली काट दी थी। अब ऐसे में नाहर आता है, मतलब कहता है कि क्या कर रही हो, जिसके बाद में भैया वो धुलाता है, उसको साफ करता है, सही करता है, उसको पट्टी लगाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो भैया नाहर है ना कहता है कि मतलब देखो, जहाँ रूही बोलती है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, अब जहाँ नार कहता है कि अगर ऐसा तुम मतलब हमारे साथ कुछ होता तो तुम विश्वास करती, वो कहती है हाँ हम जरूर विश्वास करते हैं। अब ऐसे में नाहर है ना एक चीज़ पूछता है कि तुमको जब हमने कहा था कि सुंदरा और हम तीन जन जाएंगे साथ बाहर, तो तुमने हमारा मतलब भैया तुम रूही जूही के पास गई थी मिलने के लिए। अब ऐसे में रूही बता देती है कि हाँ गए थे, जिसके बाद में नाहर तो एकदम चिढ़ी जाता है। अब वही दूसरी तरफ भैया जो जूही और जूही की दादी है ना, दोनों जन गए थे बाहर भैया भाजी। अब ऐसे में दादी को सोचता है कि ये लड़की को है ना किसी भी तरीके से ना अपने ससुराल भेजना ही पड़ेगा। अब ऐसे में वो दो कपल को देखती है साथ में, जिसके बाद में उनके भैया दिमाग में ना खिचड़ी पकने लगती है, जहां पर है फिर वो समर को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक प्लान है, अभी चीज पे तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, जिसके बाद में भैया समर भी मान जाता है। अब वही दूसरी तरफ है ना भैया दिखाया जाता है कि ये जो सुंदरा है ना मस्त तैयार वैयार होके ना जा रही थी बाहर। अब वही रूही भैया को ना पता लग गया, जिसके बाद में ना वो सोचते कि हम इसका पीछा करेंगे। अब ऐसे में वो भी रहती है कि मतलब भैया जैसे सुंदरा जाती है ना, कहती है कि हम है ना राशन लेने जाते हैं, तो रूही मतलब बहाना बना रही थी उसको पीछा करने खाते। अभी दादी को लगता है कहीं एक भैया शक तो नहीं हो गया है, वैसे में वो तो भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया समर आ जाता है, जहाँ पर जूही से मिलने जा रहा था। अब ऐसे में तो भैया की जो छोटी अम्मा है ना, मतलब वही चीज़ के लिए तो भैया को है कि तुम जूही से मिलने जा रहे हो, जहाँ पर जांच पड़ताल करती है, लेकिन नहीं कुछ होता है, वहीं से रूही भाग जाती है। अब रूही तो भैया पीछा कर रही थी सुंदरा का, अब ऐसे में देखा जाए तो यही चीज़ का है ना पीछा करते 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 कहीं कहीं तो गायब भी हो जाती है। पर अब दिखती है कि अग्नि आई है, भैया अग्नि। अब ये चीज़ भैया अब जूही ये लोग आखिरी के मतलब आने वाले एपिसोड में ऐसे दिखाया है कि रूही और जूही पता लगाएंगे, जहाँ पर ना भैया को ना कालिख मिल जाती है। अब ये चीज़ के लिए जूही कहती है कि इनका है ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है अग्नि और सुंदरा में, तो ये तो भैया ये चीज़ के लिए ना जो रूही है ना पता लगाएगी, और उनको ये सब का पता मतलब भैया लग गया है कि अग्नि और सुंदरा कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं और पागल बनाने की कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आगे आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। अब तब तक के लिए ना, हम फिर आएंगे नए प्रोमो के साथ। हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम।